एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान का आईएमपी प्रश्न मैं लेकर आया हूँ। ये सारे प्रश्न जितने भी आपको दिखाई देंगे वो सभी के सभी ब्लूप्रिंट के हिसाब से तैयार किया गया है। तो ब्लूप्रिंट में जितने नंबर के प्रश्न आते हैं सिर्फ उतने ही नंबर के आपको अध्याय में पढ़ना है, उससे ज़्यादा के नहीं पढ़ना है। तो उन्हीं को मैंने छांट के छोटा कर दिया है और वहीं से मैंने जितने भी प्रश्न हैं 2 अंक के जैसे आएंगे, 3 अंक के आएगा या 4 अंक के आएगा, तो जितने नंबर के ब्लूप्रिंट में आया है उसी के हिसाब से आपको तैयारी करना है, उसी के हिसाब से मैं आपको आईएमपी प्रश्न दे रहा हूँ। तो चलो देखते हैं, ये अध्याय वाइज रहेगा और अध्याय में आपको सिर्फ उतना ही प्रश्न पढ़ना है। तो अध्याय 1 में 2 अंक के प्रश्न आते हैं, तो अध्याय 1 से 2 अंक के प्रश्न आपको पढ़ना है। तो देख लेते हैं क्या क्या प्रश्न यहाँ पे आईएमपी हो सकता है। तो पहला है, मृदा अपरदन से क्या क्या तात्पर्य है। इसका आंसर मैं नहीं दे रहा हूँ, इसका आंसर आपको गाइड में बहुत आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि मैंने इसे अध्याय वाइज इसीलिए बनाया है क्योंकि आप जब गाइड खोलोगे तो आपको इसका आंसर आसानी से मिल जाए। तो आप चाहे जो भी यूज करो, जो भी गाइड होगा उसमें आपको ये बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए। तीसरा प्रश्न है, जैव एवं अजैव संसाधन क्या 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 होते हैं उदाहरण सहित। चौथा प्रश्न है, समोच्च जुताई किसे कहा जाता है। पाँचवा है, पवन अपरदन किसे कहते हैं। छठवा है, भारत में पाई जाने वाली वाले मिट्टी के नाम लिखे। सातवा है, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। इस प्रकार की मृदा की प्रमुख विशेषताएं क्या है। आठवां प्रश्न है, 3 राज्यों के नाम बताइए जहां काली मृदा पाई जाती है। इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है। इसके बाद अगला देखते हैं अध्याय 2 से। अध्याय 2 से भी 2 नंबर के ही प्रश्न आएंगे। तो क्या क्या प्रश्न इसमें आईएमपी हो सकता है उसको देख लेते हैं। ये जो प्रश्न है ये आपको गाइड में मिल जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलो देखते हैं, पहला है, पारिस्थितिक तंत्र से क्या तात्पर्य है। दूसरा है, रक्षित वन किन किन राज्यों में है। तीसरा है, आरक्षित वन क्या है। चौथा है, विलुप्त होने के कगार पर है उन जीवों के नाम लिखे। पांचवा है, केंद्रीय वन आयोग क्या है। छठवा है, पेड़ के विषय में गौतम बुद्ध ने क्या क्या कहा था। सातवा है, अभयारण्य किसे कहते हैं। आठवा है, प्राकृतिक वनस्पति से क्या तात्पर्य है। इसके बाद डायरेक्ट हम चलते हैं अध्याय 4 पे, क्योंकि अध्याय 3 से 1 नंबर के प्रश्न आएंगे, वहाँ पे 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर के कोई प्रश्न नहीं आ रहा है, इसलिए मैं उस अध्याय को हटा दिया हूँ। तो आप डायरेक्ट अध्याय 4 को पढ़ना। अध्याय 4 से 2 नंबर के प्रश्न देखते हैं, यहाँ भी 2 नंबर के प्रश्न आएंगे। तो पहला है, जायद की फसल के बारे में बताइए। दूसरा है, नगद व व्यापारिक फसलों से क्या आशा है। तीसरा है, रबी और खरीफ फसलों के नाम लिखिए। चौथा है, गन्ना नगद दाम की फसल है क्यों। पांचवा प्रश्न है, जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है। छठवा है, भारत में उगाई जाने वाले मुख्य रेशेदार फसल कौन कौन सी है। सातवा है, भारत की एक खाद्य फसल का नाम बताइए और जहाँ यह पैदा की जाती है उन क्षेत्रों का विवरण दें। इसके बाद आठवा है, किसी फसल का उदाहरण दीजिए जो एक प्रदेश में वाणिज्यिक फसल के रूप में और दूसरे प्रदेश में जीविका फसल के रूप में उगाई जाती है। इसके बाद देखते हैं अध्याय 5 को। तो अध्याय 5 से आएगा 3 नंबर के प्रश्न आएंगे और 4 नंबर के प्रश्न आएंगे। तो पहले हम देख लेते हैं 3 नंबर के प्रश्न में जो आईएमपी है उनको देख लेते हैं। तो पहला है, परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा साधन में अंतर बताइए। दूसरा है, आग्नेय तथा कायांत्री चट्टानों में खनिजों का निर्माण कैसे होता है। तीसरा है, हमें खनिजों के संरक्षण की क्यों आवश्यक है। चौथा है, तांबे की उपयोगिता का वर्णन कीजिए और उसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र बताइए। पांचवा है, लौह और अलौह खनिज के बारे में बताइए। छठवा है, औषधि चट्टानों में खनिजों का निर्माण किस प्रकार होता है। सातवा है, रेत होल खनन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आठवा है, धरातली चट्टानों तथा पहाड़ियों के आधार पर खनिजों का निर्माण किस प्रकार होता है। इसके बाद 4 नंबर के प्रश्न देख लेते हैं। तो 4 नंबर के जो प्रश्न आएगा इस अध्याय से वो आएगा मानचित्र आएगा, ठीक है। तो मानचित्र आएगा, तो मानचित्र में आपको उसको दर्शाना है। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारा प्रश्न बना दिया था, लेकिन यहाँ पे जो आईएमपी ये सभी के सभी आईएमपी है, लेकिन इसमें भी आईएमपी जो प्रश्न है जो आ सकता है आपके एग्जाम में उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो राइट पर है ना सिर्फ उनको देखना है। तो देखो यहाँ पे 9वां में दिखाया, 9वां प्रश्न है, इसमें लौह अयस्क का क्षेत्र को बताना है। इसके बाद यहाँ पे देखो तीसरा को, तारापुर अड़ू विद्युत गृह, और यहाँ पे देखो बोकारो कोयला उत्पाद, इसको भी देखना है, मैंने यहाँ पे राइट नहीं कर पाया, ठीक है, इसको राइट कर लेना। फिर है बर्नौली रिफाइनरी, ठीक है, यहाँ पे 4। इसके बाद देखो 10वां में आपको किसी को भी नहीं पढ़ना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट नहीं दिख रहा है। फिर यहाँ पे देखो 11वां में आते हैं, अभ्रक है, ठीक है, अभ्रक उत्पादन क्षेत्र, कोयला उत्पादक क्षेत्र, फिर प्रमुख खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र, यहाँ पे नाभिकीय ऊर्जा क्षेत्र रहेगा, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे
और कुछ आईएमपी है यहाँ पे, 12वां को आप छोड़ दो, ठीक है, 13वां में आते हैं और 14वां, ठीक है। तो 13वां में देखो बेलाडीला लॉ अयस्क खान को आपको बताना है कहाँ पे है, तो इसको मानचित्र में आपको दर्शाना है। तो ये भी ये वाला इंपॉर्टेंट हो गया। अब यहाँ पे देखो यहाँ भी राइट पड़ा है एमपी मैगनीज उत्पादन क्षेत्र, और यहाँ पे रावणभाटा, ठीक है, आणविक ऊर्जा संयंत्र, इसमें भी राइट पड़ा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। बालाघाट मैगनीज उत्पादन क्षेत्र, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इतने प्रश्न इसमें इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पे जो 6 अध्याय है और 7 अध्याय है वो अभी आपको नहीं पढ़ाया गया है, तो आपको 6 और 7 अध्याय को वहाँ से कोई प्रश्न आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं 8वां में आते हैं, तो 8वां प्रश्न, 8वां में एक नंबर के प्रश्न हैं, 2 अंक के, 3 अंक के और 4 अंक के नहीं है, तो उसको भी आप छोड़ दो, ठीक है। सीधा आप आ जाते हैं 9वां अध्याय में, तो 9वां अध्याय में 4 अंक के प्रश्न देखना है, तो 4 अंक के देख लेते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो पहला है भारत माता की छवि और जर्मेनिया की तुलना कीजिए, दूसरा है नमक यात्रा की चर्चा करते हुए स्पष्ट करें कि यह उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध का एक असरदार प्रतीक था। इसके बाद तीसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन कीजिए, चौथा है सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है, पांचवा है राजनीतिक नेता पृथक निर्वाचिका के सवाल पर क्यों डटे हुए थे, इसके बाद छठवा है जलियांवाला बाग हत्याकांड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, सातवा है विभिन्न सांस्कृतिक तरीकों ने किस प्रकार से राष्ट्रवाद को बनाने में एक अहम भूमिका का निर्वहन किया, स्पष्ट कीजिए, आठवा कल्पना कीजिए कि आप सिविल नाफरमानी आंदोलन में हिस्सा लेने वाले वाली महिला हैं, बताइए कि इस अनुभव का जीवन में क्या अर्थ है। इसके बाद आपको 10वां को भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आ जाते हैं 11वां में, तो 11वां में 2 अंक के प्रश्न आएंगे और 3 अंक के प्रश्न आएंगे, तो जो जो आईएमपी है उनको देख लेते हैं। तो 11वां में 2 अंक के जो प्रश्न है उसमें है सेठ हुकमचंद कौन थे, इसके बाद इसमें दूसरा है जाबर कौन थे, तीसरा है औद्योगिक मजदूरों से क्या आशा है, चौथा है भारत में कौन कौन से मुख्य पूर्व औपनिवेशिक बंदरगाहों में समुद्री व्यापार चलता था, पांचवा है चेंबर ऑफ कॉमर्स क्या था, छठवा है जमशेद जी भोए कौन थे, सातवा है औद्योगिक उत्पादन से क्या आशा है, आठवा है 1840 के दशक के बाद रोजगार के साधनों के बढ़ने का क्या कारण था, ठीक है। ये 2 नंबर और 3 नंबर दोनों में आता है ये प्रश्न, तो इसे दोनों के हिसाब से आप तैयारी कर लेना। इसके बाद 3 अंक के प्रश्न में देखते हैं, पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा, 10वां है ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर क्यों हमले किए, 11वां प्रश्न है भारत में मैनचेस्टर के आने से बुनकरों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, 12वां प्रश्न है सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक हसीये पर पहुंच गया था, स्पष्ट कीजिए। इसके बाद आगे है और कुछ आईएमपी प्रश्न दिया हो इसमें, पूर्व औद्योगिकरण का मतलब बताइए, 14वां प्रश्न है प्रथम युद्ध के दौरान मजदूरों की आय के वास्तविक मूल्य में भारी कमी आई, स्पष्ट कीजिए, ठीक है। अभी मैं आपको इतना ही बता रहा हूँ, बाकी जो आईएमपी प्रश्न है बाकी अध्याय के उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा।